आज हमने कराया उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 80,89,728 हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 48,648 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 563 लोग की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 121,144 पहुँच गया है। उत्तराखंड में 2 की मौत, 350 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामले के साथ संक्रमित मरीजों की मौत भी थम गई है। बीते 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई और 350 संक्रमित मिले। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 78, नैनीताल में 51, पौड़ी में 49, हरिद्वार में 32, रुद्रप्रयाग में 30, उत्तरकाशी में 24, अल्मोड़ा में 19, चमोली में 19, ऊधम सिंह नगर में 15, पिथौरागढ़ में 14, टिहरी में 13, चंपावत में 3 और बागेश्वर जिले में 2 संक्रमित मिले। प्रदेश में 2 मरीजों की मौत हो गई, इसमें एम्स ऋषिकेश में 1 और मैक्स हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 61,915 हो गया है। वहीं 56,771 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 3,634 केस एक्टिव हैं। अब तक 1,011 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कुल मरीजों की संख्या 1,842, बागेश्वर में 922, चमोली में 1,771, चंपावत में 1,140, देहरादून में 17,154, हरिद्वार में 10,965, नैनीताल में 7,297, पौड़ी गढ़वाल में 2,918, पिथौरागढ़ में 1,467, रुद्रप्रयाग में 1,214, टिहरी गढ़वाल में 3,062, उधम सिंह नगर में 9,463, उत्तरकाशी में 2,700, तो टोटल मामले 61,915 हो गए हैं। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं, तो हाईकोर्ट, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने शादीशुदा जोड़े की पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 2014 के नूरजहां बेगम उर्फ अंजलि मिश्रा बनाम यूपी सरकार मामले में अपने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ शादी के इरादे से किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। घेरना चाहते हैं भ्रष्टाचारी, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि तमाम भ्रष्टाचारी और माफिया लोग मुख्यमंत्री को घेरना चाहते हैं। पहले मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वे अपनी गलतफहमी दूर कर लें। इस राज्य में उन्हें बिल्कुल जगह नहीं दी जाएगी, उनको यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 साल में तमाम तरह के षड्यंत्र हुए हैं। यूपी में दबंगों ने प्रधानपति को अगवा कर जिंदा जलाया, तो दिल दहला देने वाली वारदात में मुंशीगंज थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार रात दलित महिला ग्राम प्रधान के पति को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। गंभीर रूप से झुलसे प्रधानपति के इलाज के दौरान मौत हो गई। ओली में अब आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक, तो 9 साल बाद रिंग बनकर तैयार हो गई है। उचित तापमान मिलने पर जमाई जाएगी बर्फ, तो पर्यटन मंत्री 4 को करेंगे उद्घाटन। तो सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 4 नवंबर को ओली में आइस स्केटिंग रिंग का शुभारंभ करेंगे। चमोली जिले के प्रभारी अधिकारी कुमकुम जोशी ने बताया कि पर्यटन मंत्री 4 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे ओली में आइस स्केटिंग रिंग का लोकार्पण करेंगे। पबजी भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित, तो पबजी खेलने वालों के लिए बुरी खबर है। चीन की कंपनी टेंसेंट गेम्स ने शुक्रवार को भारत में पबजी से संबंधित सभी सेवाओं को बंद कर दिया है। हरिद्वार के 6 प्राइवेट अस्पतालों पर मुकदमे के आदेश, तो सरकारी आदेशों का पालन नहीं करने के मामले में हरिद्वार जिले के 6 निजी अस्पतालों पर सीएमओ ने FIR के आदेश दिए हैं। इन अस्पतालों ने अपने स्टाफ का जरूरी डाटा मुहैया नहीं कराया था। पहाड़ पर घर का नक्शा पास कराना हो सकता है सस्ता, तो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में शामिल पहाड़ी जिलों में छूट का दायरा और बढ़ सकता है। 114 साल में पहली बार जौलजीबी में नहीं होगा मेला, तो जौलजीबी में प्रत्येक वर्ष लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय मेला इस बार नहीं लगेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मेला संचालित न करने का निर्णय लिया गया है। 114 वर्ष में यह पहला मौका है जब जौलजीबी मेले को स्थगित करना पड़ रहा है। रीठा साहिब में जत्थों ने किया गुरु का बखान, तो चंपावत में रीठा साहिब से लगे मुख्य जोड़ मेले में श्रद्धालुओं ने टेका गुरुद्वारे में मत्था। प्रवक्ता फॉर्म भरने के लिए दर दर भटक रहे हैं बेरोजगार, तो प्रवक्ता के 571 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए युवा दर दर भटक रहे हैं बेरोजगारों ने। उत्तराखंड विशेष अधीन सेवा चयन आयोग से योग्यता प्रमाण पत्र के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। पिथौरागढ़ में प्रवक्ता संवर्ग समूह के सेवा के तहत प्रवक्ता के 571 पदों के लिए बेरोजगार दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो योग्यता सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया था, तो उसकी अभी तक कोई गाइडलाइन स्पष्ट नहीं हुई है कि आखिर वहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वहीं डिग्री की वैधता खत्म करने की भी मांग की गई है, तो बेरोजगार युवाओं ने आयोग से डिग्री की वैधता को ख़त्म करने की मांग की है।
अतिथि शिक्षकों पर छाए संकट के बादल। तो एलटी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के चलते कई अतिथि शिक्षकों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इससे शिक्षकों में भविष्य को लेकर के निराशा का भाव है। उन्होंने कार्य मुक्त होने वाले अतिथि शिक्षकों का शीघ्र समायोजन करने की मांग की है। फूलों की घाटी आज बंद होगी। तो फूलों की घाटी शनिवार दोपहर 12 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए 1 अगस्त से खोली गई थी। 2 माह में 5 विदेशी समेत 911 पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर FIR जरूरी। तो वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी होने या खो जाने पर वाहन मालिक को FIR दर्ज कराने होगी। FIR की कॉपी वाहन 4 पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी। प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के कारण नई व्यवस्था लागू की गई है। दून अस्पताल में सोमवार से शुरू होगी OPD। तो पोस्ट कोविड OPD समेत 5 विभागों की OPD चलेगी। बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखिए। तो मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी क्षेत्रों में दिन व रात में तापमान में 18 डिग्री सेल्सियस के अंतर का अनुमान लगाया है। उसके अनुसार अगले 7 से 10 दिनों तक तापमान का ये अंतर कायम रहेगा, जो ठंड और फ्लू के प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करता है। दून आ रही बस का पहिया निकला, चीख पुकार मच गई। तो सहारनपुर से देहरादून आ रही उत्तर प्रदेश रोडवेज डिपो की बस अगला पहिया निकल गया, जिससे हादसे में 6 यात्री घायल हो गए। गांधी पार्क में फिर खुला चिल्ड्रन पार्क। तो गांधी पार्क में के भीतर बच्चों के लिए बनाया गया चिल्ड्रन पार्क शुक्रवार से खुल गया है। रोडवेज की पर्वतीय रूटों पर 3 नई बस सेवा शुरू हो गई है। तो उत्तराखंड परिवहन निगम ने देहरादून से पर्वतीय रूटों पर 3 नई बस सेवाएं शुरू की हैं। इसमें देहरादून से हनोल, बूढ़ा केदार और थराली देवाल के लिए बस शुरू की गई हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर 7 लोगों पर बलवे मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बसंत विहार से खबर है, जहां पर बसंत विहार में चोरी के मामले में 1 को गिरफ्तार किया गया है। सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो आराघर पुलिस चौकी के समीप अनियंत्रित कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मसूरी की माल रोड पर्यटकों से गुलजार। तो मसूरी की माल रोड शुक्रवार को फिर पर्यटकों से गुलजार रही। लगातार 3 दिनों की छुट्टी के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। सड़क हादसे में पिता की मौत, बेटा घायल। तो भानियावाला में एक ढाबे के पास खड़े बाप बेटे को बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौत हो गई, जबकि नाजुक हालत में बेटे को जॉलीग्रांट भर्ती कराया गया है। चीन सीमा पर दौड़ने लगे हेलीकॉप्टर से उतारे गए वाहन। तो चीन सीमा पर सेना की अंतिम स्थायी चौकी मिलम सड़क नेटवर्क से रेल कोर्ट तक जुड़ गई है। हालांकि मुनस्यारी की ओर से रेल कोर्ट को जोड़ने के लिए 24 किलोमीटर सड़क निर्माण जारी है। UOU ने प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट में जाकर के परिणाम देख सकते हैं। दून के 2 युवक लैपटॉप चोरी में गिरफ्तार हुए हैं। तो 23 लाख रुपये के लैपटॉप चोरी के मामले में का खुलासा कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे शादी से युवती को उठाने का प्रयास। तो एक महिला ने हथियारबंद युवकों पर वैवाहिक समारोह में बेटी को जबरन उठाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विरोध करने पर युवकों ने घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। रेखा आर्य फेसबुक पोस्ट डालने के बाद हुई ट्रोल। तो राज्य मंत्री रेखा आर्य फेसबुक पोस्ट अपलोड करने के बाद जमकर ट्रोल हो रही हैं। उनकी पोस्ट पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। राज्य मंत्री रेखा आर्य 3 दिन पहले सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघट क्षेत्र स्थित ग्राम कोटली कुलाऊ ग्राम गांव में गोलू देवता की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में पहुंची थी। शुक्रवार को मंत्री की ओर से फेसबुक में कुलाऊ गांव में आयोजित कार्यक्रम की फोटो अपलोड की गई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि गोलू देवता मूर्ति की स्थापना पूजन में जाने का उनको सौभाग्य मिला। जबकि पोस्ट की गई 7 फोटो में एक फोटो में वह गौतम बुद्ध की मूर्ति के साथ नजर आ रही थी, जिसके बाद लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। एक फेसबुक यूजर ने यहां तक लिख डाला कि गोलू देवता का ऐसा रूप कब हो गया मंत्री जी। पिथौरागढ़, चंपावत, हल्द्वानी में 2 नवंबर से नहीं खुलेंगे निजी स्कूल। तो 2 नवंबर को हल्द्वानी के अलावा पिथौरागढ़ और चंपावत के प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग ने कोविड नियमों के तहत कुमाऊं भर में सभी 10वीं और 12वीं तक के सरकारी स्कूल को खोलने की तैयारी पूरी कर ली है।
प्रैक्टिकल वाले छात्र ही आ पाएंगे डिग्री कॉलेज। तो 2 नवंबर से स्कूलों के में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग भी कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि प्रथम चरण में प्रैक्टिकल वाले छात्रों को ही कॉलेज आने की अनुमति मिल पाएगी। कला विषयों को 9 नवंबर के बाद ही बुलाया जाएगा। मंत्री जी, किताबें मिलेंगी या नहीं? तो मौजूदा शैक्षिक सत्र में छात्रों तक मुफ्त किताब पहुंचाने देने का सरकार का फैसला फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। करीब 2 महीने पहले कैबिनेट में डीबीटी में धन देने के बजाय किताबें देने का फैसला हो चुका है, लेकिन इस आदेश को लागू करने के लिए ना तो सरकार के स्तर पर हलचल महसूस हो रही है और शिक्षा विभाग भी इस पर खामोश बैठा है। पिथौरागढ़ घाट रोड आज से 12 दिन तक बाधित रहेगा। तो पिथौरा घाट NH में स्थित गुरना में पहाड़ कटिंग से पूर्व बनने वाले वैकल्पिक मार्ग खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। तत्कालीन मुख्य सचिव उत्पल कुमार के निर्देश के बावजूद सड़क निर्माण का कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। वैकल्पिक मार्ग की फाइल 16 माह से एक दूसरे सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही है। कर्मचारियों को आकस्मिक व यात्रा अवधि अवकाश की सुविधा समाप्त। तो पर्वतीय क्षेत्रों में निवासी कर्मचारियों को गृह जनपद जाने के लिए आकस्मिक अवकाश के साथ यात्रा अवधि अवकाश की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा संघ ने इस पर नाराजगी जताई है। त्योहारों पर वेतन लटकने से कर्मचारी नाराज हैं। तो प्रदेश के विभिन्न विभागों में कर्मचारी के साथ बनी है समस्या। लोह पुरुष पटेल की जयंती आज है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने दी श्रद्धांजलि। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश के प्रथम गृह मंत्री लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम बोर्ड अध्यक्ष मंत्री या राज्य मंत्री को सचिव को हटाने का अधिकार नहीं। तो मंत्री हरक सिंह ने भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव पद से दमयंती रावत को हटाने के तरीके पर सवाल उठाया है। हालांकि कहना है कि बोर्ड की नियमावली के तहत किसी को हटाने की खास प्रक्रिया है। अज्ञानता या अन्य कारण से वर्तमान बोर्ड अध्यक्ष ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हरक ने यह भी कहा कि बोर्ड के सदस्य अभी बरकरार हैं। फर्जी दस्तावेज से सम्मान निधि पाने वाले किसानों की होगी वसूली। केदारनाथ में बनाया जाएगा प्रकृति व्याख्या केंद्र। तो केदारनाथ में आने वाले भक्तों को एक साथ प्रकृति, वन्य जीव और वनस्पति से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। हेलीकॉप्टर से 21,565 श्रद्धालु पहुंचे। तो केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद 21 दिन में 21,565 यात्री धाम पहुँचे हैं। धार्मिक स्थल पर दीवार निर्माण के दौरान बवाल हुआ है। तो रुड़की से खबर आई है, जहां पर दूसरे समुदाय के लोगों ने निर्माण कार्य कर रहे लोगों पर लाठी और डंडों से हमला किया। एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। खबर आई है अल्मोड़ा से, युवती का कंकाल निकाल करके किया पोस्टमार्टम। तो 4 माह पहले काल की गाल में समाई युवती के कंकाल को जमीन से निकालकर शुक्रवार को इसका दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। घटना के दिन हुए पोस्टमार्टम से असंतुष्ट परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। वही खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पर 10 माह में 54 दवाओं के नमूने हो गए फेल। तो 13 जिले में 247 दवाओं के नमूने लिए गए हैं। खबर आई है बागेश्वर से, जहां पर JCP खाई में गिरी, ऑपरेटर समेत 2 की मौत हो गई। बात करें देहरादून की, तो ट्रेनिंग दिलाई पर नौकरी देना भूली सरकार। तो शिक्षक की नौकरी के लिए खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे हैं बेरोजगार। तो प्रदेश में विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षित संस्थानों से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 साल का कोर्स पूरा करने के 10 महीने बाद भी प्रशिक्षित बेरोजगार को सहायक अध्यापकों के रूप में नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इससे नाराज शिक्षा निदेशालयों में धरने पर बैठे बेरोजगार तेज ठंड के बावजूद खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। RTE के तहत बेसिक के शिक्षकों के 2,491 पद खाली हैं। तो नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में धरने दे रहे DLED और प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानक के तहत शिक्षकों के 2,491 पद खाली हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से शिक्षकों की भर्ती में देरी की जा रही है। अगले एक हफ्ते ठंड और फ्लू का खतरा है। तो मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात में 18 डिग्री से ज़्यादा तापमान का अंतर आ रहा है। SP क्राइम करेंगे जांच, बच्चों के दर्ज हुए बयान। तो
फुरकुल के पास धार्मिक स्कूल में बच्चों की पिटाई मामले की जांच अब एसपी क्राइम लोकजीत सिंह को सौंपी गई है। वही खबर है डोईवाला से, जहाँ पे नन्नावाला में कार की टक्कर से पिता की मौत, पुत्र घायल हो गया। खबर है ये सहसपुर से, जहाँ पे तस्करी में डेयरी संचालक समेत दो को गिरफ्तार किया गया है, 250 ग्राम चरस बरामद किया गया। सेना के सम्मान में निकाली गई बाइक रैली, तो तिब्बती समुदाय ने चीन के उत्पादकों के बहिष्कार और तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग उठाई है। भाईचारे व मुल्क की तरक्की की मांगी दुआ, तो मुस्लिम समुदाय ने मनाई ईद। फ्रांस के राष्ट्रपति की इस्लाम विरोधी टिप्पणी पर प्रदर्शन भी किया। दो दिन से सुलग रहे उत्तरकाशी के जंगल, तो जिले में आग से 8 हेक्टेयर वन संपदा नष्ट हो गया है। वहीं बारिश न होने से घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। वही खबर है उत्तरकाशी से, जहां पे अवैध शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वाहनों की टक्कर से कार के उड़े फरकच्चे, तो गोपेश्वर से खबर है, जहां पे बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ हादसा, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, 1 घंटे जाम लगा। तो बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर चट्टान के पास शुक्रवार को देर शाम एक कार की विपरीत दिशा में आ रही वाहन से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कार के फरकच्चे उड़ गए। वाहन में एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे, जिन्हें गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं खबर है उत्तरकाशी से, जहां पे ज्ञानसू में स्कूटी बाइक की भिड़ंत में घायल को सगार कर्मचारी की मौत हो गई। श्रीनगर से खबर है, जहां पे रामलीला मैदान में लगेगी पटाखों की दुकान, पुलिस पर मारपीट का आरोप, गुमखाल बाजार रखा बंद। तो जहरी खाल से खबर है, जहां पे चौकी प्रभारी और पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण की मांग की गई। चीनुक ने मशीनों के 18 टन हिस्से पहुंचाए धाम, तो सेना का मालवाहक चीनू केदारनाथ में भारी मशीनें पहुंचाने के बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएगा। शुक्रवार को भी हेलीकॉप्टर द्वारा 2 शटल में 6 टन भारी मशीनों के पार्ट्स केदारनाथ पहुंचाए गए। चमोली में कोरोना के 15 केस आए, तो जिले में संक्रमितों की संख्या 1747 हो गई, इनमें से 1552 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं टिहरी जिले में 20 कोरोना संक्रमित मिले। कोटद्वार में 1 शिक्षक सहित 4 लोग संक्रमित मिले, जबकि देवाल में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसी के साथ खबर है ये लेंस डाउन से, जहाँ पे नयार वैली मेगा एडवेंचर फेस्टिवल 19 से होगा। नेलांग में घुसकर लौटा 18 साइकिल सवारों का दल, तो अभियान दल में 12 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। परीक्षाओं में नकल रोकने में सफल रहा सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय, तो गड़बड़ी मिलने पर परीक्षा केंद्र निरस्त करने की चेतावनी का दिखा असर। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो साल के अंत तक हरिद्वार के लाखों ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का स्वामित्व। तो केंद्र सरकार को स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 3 जिलों में शामिल हरिद्वार के 602 गांवों के लाखों ग्रामीण को दिसंबर अंत तक संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा। होम आइसोलेशन के मॉडल ने सुधारी सेहत, तो जिले में होम आइसोलेट किए गए 91.2% संक्रमित हुए स्वस्थ। धार्मिक स्थल पर निर्माण को लेकर के बवाल, पुलिस तैनात की गई है। तो खबर आई है सुल्तानपुर से। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पे होमगार्ड पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई है, तो आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रक को सीज कर दिया गया है। 2 दिन से ही पुलिस के हाथे चढ़े चैन लुटेरे, तो 28 अक्टूबर को आर्य नगर में बुजुर्ग महिला के गले से झपटी थी चैन। वहीं बहन की स्कूटी से दिया लूट की घटना को अंजाम, तो आर्य नगर ज्वालापुर में आरोपी आशु चौधरी ने चैन लूट की घटना को अपनी बहन की स्कूटी से अंजाम दिया था। आरोपी ने पुलिस से पूछताछ में यह बात का खुलासा किया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे करंट लगने से युवक की मौत हो गई, तो भूमिगत विद्युतीकरण का कार्य कर रहा था युवक। शरद पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, तो लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में पूजा अर्चना, खीर का सेवन किया, आज सुबह भी होगा स्नान। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए साक्षात्कार 18 से, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के 39 रिक्त पदों पर साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी गई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो शहर की मुख्य सड़कों पर लगा जाम, कोरोना को नियंत्रण देने का इंतजाम।
तो संकरी सड़कों और फुटपाथ पर सजी दुकानों की वजह से बाजार रौनक नजर आ रहा है। नैनीताल में अभद्रता पर नाराज हुए व्यापारी तो पुलिस से हुई झड़प। व्यापारी के सड़क किनारे वाहन खड़ा करने को लेकर के विवाद हुआ। खबर है यह सुल्तानपुर पट्टी से, जहां पे ट्रैक्टर की टक्कर से पेट्रोल पंप की मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं काशीपुर से खबर है, जहां पे पहिया टूटकर वृद्धा से टकराया, जिससे वृद्धा घायल हो गई। 2016 के 10 नकली नोटों के साथ धरा गया एक आरोपी। तो दिसंबर 2016 में भी झनकैया पुलिस ने एक युवक को बैंक में 500 रुपये के 10 नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर में बनेगा पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। तो समाज कल्याण को भवन निर्माण के लिए मिली 3 बीघा जमीन। 14,000 छात्राओं को दोबारा करना होगा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। तो वर्ष 2019-20 में SC ST और OBC वर्ग के 14,298 छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में दोबारा आवेदन करना होगा। समाज कल्याण विभाग का राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल 15 नवंबर तक खोला गया है।